संगीतकार गुलजार साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने इस साल जगतगुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार के नामों का चयन किया है। उर्दू के लिए मशहूर गीतकार गुलजार और संस्कृत के लिए जगतगुरु रामभद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ सम्मान दिया जाएगा। ये दोनों ही हस्तियां अपने अपने क्षेत्र में काफी मशहूर हैं। गुलजार जी तमाम फिल्मों में गीत लिखने के अलावा गजल और कविता के क्षेत्र में भी मशहूर हैं। इस सम्मान मिलने की खुशी पर गुलजार साहब का क्या कुछ कहना है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड में मेरा चुनाव किया। यकीन मानिए कि इतने सारे अवार्ड और उसमें से गुजरते गुजरते भी कहीं ना कहीं वो एक मीनार खड़ा होता है ना, कहीं दूर नजर आता है वो समंदर होता है, क्या कहते हैं उसे, लाइट हाउस। तो लिटरेचर में अगर आप शामिल हैं और आप लिखते रहे और किताबें इश्क हो किताबों से और शायरी से और अफसानों से और लिटरेचर के साथ अगर आपका इश्क है तो फिर ये लाइट हाउस की तरह नजर तो आता रहता है। और मैं बहुत से जजीरों से गुजरा हूं लेकिन उस सिंधुवाद को भी वो लाइट हाउस तो नजर आया होगा मेरा ख्याल है। तो बड़ी तसल्ली हुई जिस वक्त मेरा नाम इसमें आया और खास तौर पे उर्दू जुबान के लिए जिसमें जो मेरा मीडियम रहा है, जो मैं स्कूल में था और उर्दू ही मीडियम था हमारा, ज्ञानपीठ में नाम आया, बड़ी तसल्ली होती है कि हाँ अब आप उस लाइट हाउस के पास आ गए।